हाय एक्वेरियस, तो लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेजेस और गाइडेंस हैं। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं। माने कि अगर ये आपकी कुंभ राशि, आपका एक्वेरियस साइन सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड में है, तब ये रीडिंग आपके लिए है। इनकेस आप इस पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो आप अपने मून साइन, ओके, आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग इन रीडिंग्स को देख सकते हैं, ओके। और मैं बहुत समय के बाद इन रीडिंग्स को कर रही हूँ एक्वेरियस, तो मेक श्योर कि आप मेरी हिम्मत बढ़ाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले कि मैं हर वीक इन रीडिंग्स को लेकर आ सकूं। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस। थैंक यू एक्वेरियस। वन मोर टाइम प्लीज। टेन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। इमोशनली अच्छा लग रहा है वीक आपके लिए। ये ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अगर अकेलेपन की किसी फीलिंग से पहले गुजरे हैं तो उस फीलिंग से बाहर निकल सकते हैं आप। आपके लिए ह्यूमन टच अवेलेबल रहेगा, हग्स, कम्युनिकेशन, कॉम्प्लीमेंट्स, तुम कैसे हो, हालचाल पूछना, ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे। कुछ लोग यहाँ पर हर्मिट मोड से भी बाहर आ सकते हैं, ओके। अगर आप किसी काम को करने के लिए या किसी प्रोजेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा अपने कमरे में ही बस काम काम काम, आई फील लाइक कि उस मोड से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। मैं इंडिपेंडेंट एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ, फ्रीडम महसूस कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे किसी का फेथ यहाँ पर रख लिया गया, किसी ने किसी चीज़ पर विश्वास किया, किसी सिचुएशन पर बहुत विश्वास रखा और उसके उस विश्वास को ईश्वर ने रख लिया। मैं वैसी एनर्जी यहाँ पर पिक कर सकती हूँ। तो यस, आप सेलिब्रेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते। आप अपने लिए एक अच्छी इमोशनल एनर्जी भी पाएंगे। लोगों से आपको लगेगा कि हाँ, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इस हफ्ते आप अपना कोई आइडिया भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और उस आइडिया से एक और बेहतर आइडिया निकल सकता है। इस जस्ट कि जैसे लड़ी हो, जैसे कोई लड़ी लगी हो एक के बाद एक, तो एक आइडिया से एक और बेहतर आइडिया निकल सकता है, ओके। दोस्तों के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर भी आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट करेंगे इस हफ्ते, आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, ओके। थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल सकता है मेरे एक्वेरियस को। मान लीजिए कि कभी कभी हमें होता है कि कोई हमें पैम्पर करे, कोई हमें प्यार दे ज़रूरत से ज़्यादा, वो ये वही एनर्जी है। ये बेसिकली मिल्क एंड हनी की प्रॉस्पर एनर्जी है। वी हैव द एट ऑफ वॉन्स, ये है स्ट्रेंथ कार्ड जिसका नंबर है 8। यस, आप कुछ चीज़ों को क्लोजर दे रहे हो या आपने ऑलरेडी रिसेंटली किसी चीज़ को क्लोजर दिया है और अब है वो एक ग्लो अप आता है हमारा जब हम किसी चीज़ को क्लोजर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, न्यू बिगिनिंग में टैप इन करते हैं। ये फुल मून भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा एक्वेरियस। आई थिंक 16 को है ये, 16 को पिंक फुल मून है, तो आपके लिए फुल मून भी सिग्निफिकेंट रह सकता है। हालांकि ये जो रीडिंग है ये आने वाले हफ्ते के लिए है, बट फिर भी ये एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है कि स्ट्रेंथ कार्ड से आपके खुद के स्वभाव में एक कॉन्फिडेंस आप देख पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यस, मैं भी अपनी बात रख सकता हूँ, मैं भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं भी नो कह सकता हूँ, मैं भी अपॉर्चुनिटीज़ को यस कह सकता हूँ। तो वो पावर आपके लिए अवेलेबल रहेगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि शक्ति से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज़ रहती हैं, जैसे एनर्जी वर्क जिसको हम बोलते हैं, कैंडल मैजिक हो गया या फिर रेकी सेशंस हो गए या कोई भी एनर्जी वर्क जो रहता है, टैरो भी एक एनर्जी वर्क है बेसिकली, तो ऐसे कामों में भी आपका काफ़ी समय जा सकता है ये जो हफ्ते में, एनर्जी वर्क जो है यहाँ पर। सी, वी हैव द लवर्स, ब्यूटिफुल। रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक फाउंडेशन देखने को मिलेगी आपको, साथ में आना, साथ में आकर
चीज़ों को, अगर चीज़ें ठीक नहीं हैं तो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना, चीज़ें ठीक हैं तो चीज़ों को और सुंदर बनाने की कोशिश करना, और प्यार जताना, और प्यार बताना, ओके? मुझे ऐसा भी लगता है कि रिलेशनशिप में अगर कोई किसी को अब्यूज़ कर रहा था, जो अब्यूज़ हो रहा था पर्सन, वो अपनी पर्सनल पावर में आएगा, वो कहेगा कि नो, इनफ इज़ इनफ, अब और नहीं, और नहीं, और नहीं, और नहीं, और मैं अब्यूज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा या करूँगी, ओके? तो कोई अपनी पर्सनल पावर में आ रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस हफ्ते आप में से, ऑब्वियसली सभी के लिए मैसेज नहीं है, अपनी सिचुएशन के अनुसार सुनिएगा, लेकिन इस हफ्ते कुछ लोगों का रिश्ता जो है वो परिवार की सहमति उसको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर 10 of Cups की एनर्जी है जो कि फैमिली स्टार्ट करने के बारे में बात करती है, ओके? तो कंग्रेचुलेशंस जिसके लिए भी ये मैसेज है। कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली ये प्रेगनेंसी की भी बात करता है, लवर्स और 10 of Cups, बच्चे की ऊर्जा, रोमांटिक थोड़ा सा आप यू नो एनर्जी को भी अपने इर्द गिर्द पा सकते हैं, फ्लर्ट की एनर्जी, लेकिन ज़रा सीरियस नहीं है, इस चीज़ की कोई हल्की सी एनर्जी, यू नो कभी कभी अच्छी भी लगती है हमें वो, तो मैं वैसी एनर्जी पिक कर सकती हूँ। यस, वी हैव नाइट ऑफ इंस्पिरेशन, नाइट ऑफ वांड्स, कुछ आपकी तरफ आ रहा है, सेलिब्रेशन से भरा हुआ, ये बहुत ही न्यू ईयर वाइब्स हैं। तो अगर आप न्यू ईयर पे आपने कोई इंटेंशन भी सेट की थी इस साल के लिए कि मुझे इस साल में ये 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 चाहिए, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है इस हफ्ते में, जो आपने अपनी इंटेंशन सेट की थी नए साल में, नए साल में अगर आप किसी चीज़ का वेट भी कर रहे थे लेकिन उस समय वो चीज़ आपको नहीं मिली, इस हफ्ते में आपको वो चीज़ मिल सकती है। लेकिन इसका इस पूरी चीज़ का जो भी नेचर है वो बहुत ही सेलिब्रेशन की एनर्जी में, जैसे बहुत सेलिब्रेशन त्यौहार, यू नो न्यू ईयर, दिवाली, या फिर जितने भी फेस्टिवल्स रहते हैं, हम कहते हैं कितने खुश रहते हैं ना हम, ये बेसिकली वैसी एनर्जी है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ एक्वेरियस, कोई गिफ्ट मिलने वाला है आपको, कोई ऐसी चीज़ आप इस हफ्ते रिसीव करने वाले हैं जिससे कि आप यू नो बहुत अंदर से, एक तो रहता है ना कि बस ऊपर से हम खुश हैं, नहीं, एक अंदर की खुशी रहती है, जैसे कोई मन से खुश है, कोई मन से बहुत ग्रेटफुल है कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये खुशी दी, मैं वो एनर्जी यहाँ पर पिक कर सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये गाड़ी भी है, कुछ लोगों के लिए ये रिसोर्स या कोई टूल या कोई गाड़ी हो सकती है जो आपको और इंडिपेंडेंट बनने में मदद करेगी। ये अगर सेकेंड हैंड गाड़ी भी है, बट आई फील लाइक कि ये आपको बहुत खुशी देने वाली है, जैसे आपको इंडिपेंडेंट बनने में मदद करेगी, ओके? हॉर्स की एनर्जी बहुत सारी पावर भी लेकर आती है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप, क्योंकि आपके पास वो पावर अवेलेबल रहेगी इस हफ्ते, तो अगर कुछ नहीं है करने को तो काम ढूंढने की कोशिश करना, एनर्जी को वेस्ट मत करना, अपनी हायर सेल्फ से पूछना कि मैं वो कौन सा काम करूं कि ये जो पावर मेरे पास अवेलेबल है मैं उसमें उसको लगा सकूं, ओके? तो टाइम वेस्ट करना इस हफ्ते आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको उसके चलते आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को गवा देंगे अगर आपने अपने समय को वेस्ट किया, ओके? आपकी क्रिएटिविटी भी इस हफ्ते बहुत ज़्यादा यू नो जोर पकड़ेगी, आपका कोई भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन या कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी आप यू नो अगर वो टाल रखा था आपने तो दोबारा से शुरू हो सकता है, या फिर आप उसे फिनिश भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऊर्जा मौजूद रहेगी। ये हफ्ता जैसे भागने का है एक्वेरियस। आई नो मैं बहुत सारे मैसेजेस इन चार कार्ड से दे रही हूँ, लेकिन ये चैनलिंग हो रही है मेरी, जैसे 10 घंटे का काम कोई 5 घंटे में कर रहा है, 5 घंटे का काम कोई 2 घंटे में, जैसे ऐसी पावर अवेलेबल है इस हफ्ते में आपके लिए। वी हैव 2 of Cups, डेफिनेटली यहाँ पर ऑफर है प्यार से जुड़ा हुआ, कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है एक्वेरियस इस हफ्ते। ये लिटरली पर्सन बहुत फायरी नेचर के हो सकते हैं, पॉसिबल है कि ये फायर साइन हो, ज़रूरी नहीं है, जनरल रीडिंग है राइट, लेकिन पॉसिबल है कि ये फायरी, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही सेक्सी, यू नो ऐसी एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। और ये पर्सन बहुत समय से आप में रुचि रखे हुए हैं, और इस हफ्ते जैसे वो कह रहे हैं कि अब मुझे बताना है, मुझे अपने दिल का हाल जो है वो बताना है बेसिकली, तो मैं प्रपोजल्स देख सकती हूँ एक्वेरियस के लिए। मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि अगर आप इस हफ्ते कोई बड़ी परचेज करने वाले हैं एक्वेरियस, कोई बड़ी चीज़ खरीदने वाले हैं, तो बार्गेन कीजिएगा, आपकी बार्गेन सफल हो जाएगी, बार्गेन करना, वो अगर 10,000 बोलें तो 8,000 बोलना, ट्रस्ट मी, आप कहेंगे कि नाज क्या
अच्छा बात कर रही है, लेकिन मैं वो एनर्जी पिक कर पा रही, ये सक्सेसफुल एनर्जी है। ओके, तो अगर वो अगर ऐसा कुछ हो तो बार्गेन करने की कोशिश करना, आपको कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। ओके, वी हैव द एम्परर, तो मैं इसी चीज़ की बात कर रही थी कि कोई बहुत ही फायरी एनर्जी है आपके इर्द गिर्द जो इंटरेस्ट रखे हुए हैं। इसका चेहरा भी टू ऑफ कप्स की तरफ है, इसका भी टू ऑफ कप्स की तरफ है। तो कोई है ऐसा जो आपसे मोहब्बत करता है, जो अपने अपना इजहार करना चाहता है, आपके साथ पार्टनरशिप रखना चाहता है, या फिर फ्रेंडशिप भी हो सकती है, या फिर ये लिटरली कमिटमेंट हो सकती है। अपनी सिचुएशन के अनुसार सुनना है मैसेज को। लेकिन ये पर्सन जिसे बहुत पसंद करता है आपको, ओके, ये पर्सन बहुत पसंद करता है और ये जैसे आपकी खुशी में खुश होने वाला पर्सन है ये, तो इस ट्रस्टवर्दी वाइब्स लग रही है मुझे बहुत इसकी। बिजनेस के लिहाज से, करियर के लिहाज से भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है, बहुत पावर अवेलेबल रहेगी आपके लिए और आपका इंस्पायर्ड एक्शन लेने का बहुत मन करेगा। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है एक्वेरियस कि इस हफ्ते आप अपनी इनफाइनाइट पोटेंशियल को भी कहीं ना कहीं पहचान सकते हैं। कोई ना कोई आहा मोमेंट आपकी वेट कर रहा है इस हफ्ते की, मैं जितना सोचता हूँ मैं उससे ज़्यादा कर पाऊँ, मैं कर सकता हूँ, मतलब ऐसी किसी आहा मोमेंट को भी आप रियलाइज़ कर सकते हैं और ये आपके पूरे काम करने के ढंग में एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आ सकती है चीज़। मैं ये चीज़ इंट्यूटिवली पिक कर पा रही हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स, यस, थोड़ा बिजी भी रह सकता है, जैसे मैंने कहा एनर्जी बहुत अवेलेबल रहेगी, तो मेक श्योर कि आप अच्छे कामों में उस एनर्जी को लगाएं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें। आप इस हफ्ते बहुत ईजली अपनी वर्क लाइफ, अपनी प्रोफेशनल, अपनी पर्सनल, ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। अध्यात्म के लिए भी समय रहेगा इस हफ्ते, कमल का फूल है यहाँ पर और टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अध्यात्म के लिहाज से भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी की लोअर बॉडी में कोई पेन है, टांगों में या पैरों में कोई दर्द है या घुटनों में, इस हफ्ते आप उसकी भी हीलिंग कर सकते हैं। योगा का सहारा लीजिए, ओके, योगा आपकी इसमें काफ़ी मदद कर सकता है। लेट्स सी यहाँ पर आपके ओरेकल कार्ड से हमें क्या मैसेज मिल रहा है। वाओ, वी हैव साउथ नोड, पास्ट, तो कुछ चीज़ें पास्ट से आ रही हैं यहाँ पर, पास्ट इन्फ्लुएंस करेगा, या तो पास्ट को यहाँ पर क्लोजर देने की ज़रूरत है या फिर पास्ट को कोई नया मौका देने की ज़रूरत है। नया मौका देने के लिए इसी एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये एनर्जी आपको आपकी खुशी में कैसे चार चांद लगा सकते हैं। क्या इस पर्सन में या किस इस एनर्जी में कोई परिवर्तन आया है? आया है तो यस, आप उसे मौका दे सकते हैं, लेकिन नहीं तो आपको इस पास्ट को क्लोजर देने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग तो है आपके लिए। ओके, माई गॉश, ब्यूटिफुल। सी द थिंग इज, टेन ऑफ कप्स भी रेनबो की ही एनर्जी होती है। अगर आपको ट्रेडिशनल, आपको पता है ट्रेडिशनल टैरो में उसको वैसे ही दिखाया जाता है टेन ऑफ कप्स को, तो ये बेसिकली दूसरा टेन ऑफ कप्स है आपकी रीडिंग का, तो ये बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी है। एक्वेरियस, कनेक्ट टू स्पिरिट इन नेचर, रेनबो नंबर वन। आप में से कुछ लोगों के लिए ये न्यू बिगिनिंग है और ये न्यू बिगिनिंग है होम कमिंग की। अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे थे अपनी हायर सेल्फ, नेचर के साथ, स्पिरिचुअल टीम के साथ, भरोसा उठ रहा था चीज़ों से, मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता उस लिहाज से अपने फेथ को रीस्टोर करने का भी है। और नेचर के साथ कनेक्ट होइए, अगर आपको कहीं पानी की जगह पर या किसी सुंदर से गार्डन में जाने का मौका मिले, तो किसी खेत खलियान में जाने का मौका मिले, तो वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर आपको ग्रैब करनी है और नेचर के साथ कनेक्ट होना है। ओके, मिल्क एंड प्रॉस्पेरिटी, मैं प्रेगनेंसी डेफिनेटली देख सकती हूँ इनमें, आप में से कुछ लोगों के लिए। अगर ये प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट भी नहीं हो रही है तो बातचीत होगी पार्टनर के साथ कि हम रेडी हैं अपनी फैमिली स्टार्ट करने के लिए, तो ऐसी बातचीत आपकी चल सकती है। हमारे पास जो आपके लिए आर्क एंजल हैं वो है आर्क एंजल ओरियन, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। थैंक यू ओरियन फॉर मैनिफेस्टिंग योर मिरेकल्स इन माय वर्ल्ड। एक्वेरियस, यस, जिसकी हमने अभी तक बातें की हैं आपके लिए मिरेकल्स हैं इस हफ्ते। रेनबो भी बेसिकली मिरेकल ही है, एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है, बहुत ही अचंभित सा करता है। बच्चों को खास करके बड़ी प्यारी लगती है रेनबो की एनर्जी, वो घंटों निहारते हैं उनको और घर में भी सभी को जाके बोलेंगे रेनबो आया है, रेनबो। ये वैसी एनर्जी है जैसे आप अपनी खुशियों को भी जैसे कहोगे कि देखो मुझे मेरी विश पूरी हो गई, जैसे ऐसी एनर्जी आप
अपने अपने जीवन में इस हफ्ते देख सकते हैं। तो आर्कएंजल ओरियन से भी कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ओके। स्टार्स की एनर्जी के साथ इनके साथ कनेक्ट हुआ जा सकता है। आप स्टार को, स्टार शेप को आप अपने थर्ड आई में विजुलाइज कर सकते हैं और आर्कएंजल ओरियन से प्रे कर सकते हैं कि यस, आप अपने जीवन में मिरेकल्स को देखने के लिए रेडी हैं, ओके, और वो आपके जीवन में मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करें। तो आर्कएंजल ओरियन इस हफ्ते आपको गाइड कर रहे हैं। We have a brave spirit. तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आप कुछ चीज़ों में आपको वो बहादुरी दिखाने की ज़रूरत है, खास करके जब हम किसी चीज़ को क्लोजर देते हैं, नो कहना सीख रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं कि बस इनफ इज़ इनफ, तो उसमें लगती है ये जान, यू नो, उसमें हमें अपनी वो बोल्ड साइड के साथ जुड़ना पड़ता है। तो यस, आपको भी, आप में से कुछ लोगों को के लिए ये मैसेज है कि अपनी ब्रेव सेल्फ में टैप इन करना है इस हफ्ते आपको, और जो भी चीज़ें आपकी खुशियों को, आपकी आपकी तंदुरुस्ती को ख़राब कर रही हैं इस हफ्ते, बस अब और उस साइकिल को रिपीट नहीं करना। वो एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है तो उसको नो कहो, ओके, उसे क्लोजर दो यहाँ पे। किसी चीज़ को फेस भी करना पड़ सकता है एक्वेरियस, जिसको अभी तक आप जिससे भाग रहे थे, कोई डर हो सकता है आपका, या फिर कोई कम्युनिकेशन भी हो सकती है जिसको आप टाल रहे थे बहुत ज़्यादा कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, इस चीज़ की इस हफ्ते आपको कहा जाएगा कि नहीं, अब और नहीं टाल सकते हैं, अब और प्रोकेस्टिनेशन नहीं कर सकते हैं, अब इसको फेस करना होगा। तो वो बहादुरी वहाँ पर भी दिखानी होगी। अगेन ये कम्युनिकेशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ओके। आपका जो कार्ड है, एफर्मेशन है यहाँ पर, वो है क्रिएशन। बीइंग क्रिएटिव इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव। सो सी, मैंने आपको यही चीज़ कही कि आप अपनी किसी इन्फानाइट एबिलिटी के साथ यहाँ पर रूबरू हो सकते हैं कि मैं अभी सोच रहा था कि मैं इतना ही काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि वो पावर आपके लिए अवेलेबल रहेगी। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आई एम क्रिएटिव, आई एम क्रिएटिव, इस हफ्ते की ये आपकी जो है एफर्मेशन है, ओके। और आपके लिए जो चक्रा है, सी वी हैव हार्ट चक्रा, टू ऑफ कप्स है, टेन ऑफ कप्स है, यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, राइट। सो हार्ट चक्रा, रोडोनाइट, लव, लव इज अ वर्ब, सो मेक इट योर मोस्ट ट्रेजर्ड एक्शन। अपने हर काम में प्यार की ऊर्जा रखिए। आप जो काम कर रहे हैं, अगर उसमें भी वो प्यार की एनर्जी नहीं है, तो माने कि आप बस ज़बरदस्ती के साथ काम कर रहे हैं, आप उसे इंजॉय नहीं कर रहे हैं। अपनी हर एक्टिविटी को इंजॉय करना सीखिए, और वो हम उसे इंजॉय कैसे करते हैं, जब हम उसमें प्रेजेंट होते हैं। यू नो, आप चाय बना रहे हैं, दिमाग कहीं और है, तो चाय बनाने के प्रोसेस को क्या इन्जॉय करोगे, चाय भी क्या स्वाद लगेगी आपको। मैं बेसिकली एक एग्जांपल दे रही हूँ एक्वेरियस। तो मेक श्योर कि आप छोटी छोटी चीज़ें जो भी करें, यू नो, उसमें प्रेजेंट रहें, उसमें लव की एनर्जी को तभी आप विटनेस कर पाएंगे, ओके? कुछ यहाँ पर एक्शंस की जो फाउंडेशन होगी इस हफ्ते, वो प्यार के आधार पर ही होगी, कि आपको दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्र आ रहा है ना यहाँ पे, तो दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत होगी। दिमाग को शायद थोड़ा सा आपको, यू नो, साइड में रखना पड़े। ऑब्वियसली हम उसको पूरे तरीके से साइड में तो नहीं रख सकते, लेकिन जैसे दिल के साथ ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है आपको, दिल की बात सुनने की ज़रूरत है, ओके? तो यस एक्वेरियस, ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं आप, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। अगर इसकी रीच बढ़ेगी वीडियो की, तो मुझे, यू नो, और प्रोत्साहन मिलेगा। तो प्लीज़ आप शेयर करना मत भूलिएगा अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ, और कॉमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, ओके? और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.shunyacreates.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और यस, अपना ध्यान रखिएगा एक्वेरियस, टेक केयर, बाय।